नागदा के बीपीएल संबंधित कार्य नागदा नगरपालिका में होंगे। इसके पहले बीपीएल से संबंधित कार्य तहसील में होते थे, जिसके लिए उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जैन ने एसडीएम आशुतोष गोस्वामी से चर्चा कर कार्यकाल का कार्य एक स्थान से करने की बात कही। इसके बाद खाद्य विभाग के रिकॉर्ड और कर्मचारी को नगरपालिका कार्यालय में शिफ्ट किया गया। इसमें समग्र आईडी और बीपीएल संबंधित सारे कार्य नगरपालिका कार्यालय में ही किए जाएंगे और उपभोक्ता को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जो समग्र आईडी में अपडेशन होता है, दो तरह के राशन कार्ड होते हैं, एक एपीएल होता है, एक बीपीएल होता है। बीपीएल राशन कार्ड से जुड़े हुए सारे काम तहसील में होते थे और उस कारण लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां थी, कंफ्यूजन था और जानकारी का अभाव भी था। तो कई काम ऐसे थे जो वो यहाँ आ जाते थे और यहाँ के जो हमारे कर्मचारी उनको तहसील भेज देते थे खाद्य विभाग के ऑफिस में, और खाद्य विभाग वाले उनको वापस उठाकर यहाँ भेज देते थे। तो कुल मिला के आम आदमी काफी ज्यादा परेशान होता था, उसको लगता था, वो इरिटेट होता था, उसको लगता था पता नहीं उसने कौन सा अपराध कर दिया जो एक सामान्य से काम के लिए उसको बार बार चक्कर लगाने पड़े।